नमस्कार दोस्तों, टीचर सिन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केउझर। यहाँ बहुत सारे वैकेंसी निकला है टीचिंग पोजीशन में और बहुत सारे डिपार्टमेंट में, तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहां जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है इसका नोटिफिकेशन, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूं। तो यहां देखिए मेंशन किया गया है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग केउझर, फॉर्मली ओडिशा स्कूल ऑफ माइनिंग इंजीनियरिंग। ये एक्चुअली ओडिशा में लोकेटेड है और ये बहुत फेमस है बेसिकली माइनिंग सेक्टर में, ठीक है। तो यहां आप रूल रेगुलेशन देख सकते हो, यहां मेंशन किया गया है बहुत सारे पोजिशन के लिए। और यहां देखिए ये है इसका वैकेंसी पोजिशन। तो यहाँ जो पोजीशंस, जो वैकेंसी है, यहाँ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए वैकेंसी है, ठीक है। और प्रोफेसर के लिए जो सैलरी है ये है 1,44,200 करके। इसके अलावा जो एसोसिएट प्रोफेसर है इनके लिए जो सैलरी है ये 1,31,400 करके। और ये जो सारे के सारे जो पोजीशन है ये परमानेंट पोजीशन है। तो यहाँ आप देख सकते हो डिपार्टमेंट मेंशन किया गया है, बीच में प्रोफेसर का वैकेंसी, देन लास्ट में एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में एक प्रोफेसर का वैकेंसी है एंड एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी दो। देन मैकेनिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर का वैकेंसी है दो एंड एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी है दो। माइनिंग इंजीनियरिंग में प्रोफेसर का वैकेंसी है एक एंड एसोसिएट प्रोफेसर का वैकेंसी है दो। देन मिनरल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर का कुछ वैकेंसी नहीं है, एसोसिएट प्रोफेसर का एक वैकेंसी है। देन मेट्रोलॉजिकल इंजीनियरिंग में प्रोफेसर का एक वैकेंसी है, एसोसिएट प्रोफेसर का एक वैकेंसी है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर का एक वैकेंसी है। मैथमेटिक्स में सिर्फ एसोसिएट प्रोफेसर का एक वैकेंसी है। नाउ इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी होना बहुत कंपलसरी है एंड प्रोफेसर के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस। ठीक इसी प्रकार जो एसोसिएट प्रोफेसर है इनके लिए कम से कम 8 साल का एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है, ठीक है। और इसके साथ साथ कैरियर मीन्स फर्स्ट क्लास होना चाहिए आपका मीन्स बैचलर्स और मास्टर्स डिग्री में। और इसके साथ साथ कुछ प्रोजेक्ट यहाँ मेंशन किया गया, जैसे कि रिसर्च पेपर पब्लिकेशन होना, इस प्रकार का मेंशन किया गया है, तो आप यहाँ से देख सकते हो। बाकी कुछ छोटा मोटा यहाँ इंस्ट्रक्शन आप इसको देख सकते हो। और इसको अप्लाई करने के लिए आपको जो एप्लीकेशन फी देना पड़ेगा, ये जनरल कैटेगरी के लिए है 1,000 रुपीज एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए है 500 रुपीज। अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने के लिए देखिए इसका जो प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म है मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। ये है इसका एप्लीकेशन फॉर्म, इसी एप्लीकेशन फॉर्म को आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसको फिलअप करना है, फिलअप करने के बाद इसको सॉफ्ट कॉपी बनाना है। देन यहां देखिए एक ईमेल आईडी दिया गया है, recruitment@gcekrj.ac.in। इसी एड्रेस में, इसी ईमेल आईडी पर आपका इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ जितने भी सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स है इसको आपको भेज देना है। देन इसका जो हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी को भी आपको भेजना है। यहां देखिए जो एप्लीकेशन जो एड्रेस दिया गया है इसी एड्रेस में आपको भेजना है, ठीक है। हार्ड कॉपी भी भेजना है, सॉफ्ट कॉपी भी आपको भेजना है, ठीक है। और अप्लाई करते वक्त इसके जो एप्लीकेशन जो आप भेजोगे, मेल भेजोगे या आप जो स्पीड पोस्ट में भेजोगे या रजिस्टर्ड पोस्ट में भेजोगे उसके ऊपर आपको मेंशन करना है कि आप कौन सा पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। देन यहां देखिए इसका जो डेट है, ये है इसका डेट जो पहले था इसको अभी एक्सटेंड कर दिया गया है, शायद आपको यहां दिख रहा होगा। हाँ, अभी जो इसका जो लास्ट डेट है अप्लाई करने के लिए, यहां देखिए मेंशन किया गया है कि 21/10/2021, ठीक है। यह मेंशन किया है कि इन कंटिन्यूशन ऑफ दिस ऑफिस एडवर्टाइजमेंट दिस इज फॉर द इन्फॉर्मेशन टू ऑल द कंसर्न दैट द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ रेगुलर पोजिशन ऑफ प्रोफेसर एंड एसोसिएट प्रोफेसर इज एक्सटेंडेड अप टू 21/10/2021 तक। तो यह है आपका लास्ट डेट, तो इसी बीच में आपको ये सारे के सारे प्रोसेस करना है, मीन्स अप्लाई करना है। तो जो भी आप इंटरेस्टेड हो, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो। तो ये था इसका डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।